हेलो, राम राम मेरे मिस्त्री भाइयों। मैं अभी नीचे के तो अड्डे शुरू कर दिए, अब मैंने सेटिंग शुरू कर दी है, तो मैं ये तैयार कर रहा हूँ सीटिंग। तो आप इस सेटिंग को देख लेना और मैं आपको बताता हूँ कि ये सीढ़ी है। तो हमने ये जट वाली पेड़ी है तो ये पट्टी लगा दी है। इस पट्टी से क्या है कि नीचे की क्रिएटी है वो बिल्कुल साफ आएगी। हम लिपाई करेंगे तो उसके कोई दिक्कत नहीं होगी, कोई माल वगैरह भी कोई झाड़ना नहीं पड़ेगा, तो इसलिए सही आएगी। तो मैंने जेड वाली ये शुरू कर दी है, तो अभी आप देखते रहिए और मैं अभी कर रहा हूँ। ये कच्चा मसाला है, इसे सेट रहे लपटी याद कर लपटी याद कर तैयार कर रहा हूँ। ये देख लीजिए, ये लीजिए भाई साहब, मेरे को फटी देना, वो फटी दे। अरे छोटी पट्टी दे, छोटी छोटी, हाँ छोटी वाली पट्टी दे। माइक दे ये लीजिए। अभी ये मैंने रख दिए, इस पट्टी से क्या है कि ये कोर नीचेगी, आप जब ये सेटरिंग करो ना तो ये कोर बिल्कुल फिक्स आएगी। तो तब भी जेड वाली पेड़ चढ़ाएं तो इस पट्टी का इस्तेमाल जरूर करें। इसमें एक पट्टी नीचे लगाना, बीच में हेड लगाना। जब आपका अड्डा 8 इंची का या 8.5 इंची का है उसी तरह सेट कर लेना, तो एक पट्टी यहाँ जाएगी, बीच में हेड आ जाएगी और ये पट्टी आ जाएगी, तो ये कोर बिल्कुल साफ आएगी। यासे में साफ आएगी तो नीचे की क्लियरिटी बहुत बढ़िया तरह दिखेगी। तो इसलिए पट्टी की सेटिंग करना बहुत जरूरी है। दूसरी बात रही यही कि ये सेटिंग हम करते हैं तो ये सेटिंग हल्की होती है, इसमें वजन नहीं आता ज़्यादा। हम इसे इंटेंगल बढ़ देते हैं तो उसमें बहुत ज़्यादा वजन आता है, बहुत ज़्यादा वजन आता है तो वो आपके लिए दिक्कत है। तो ऐसे मत करना। ये पट्टियों की सेटिंग जेड वाली पेड़ी के लिए बहुत अच्छी, बहुत बढ़िया चीज़ रहेगी। तो अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।